प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई। तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है, अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है। कनीज़ बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो सो बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा, शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई। तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है, अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है। कनीज़ बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो सो बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा।
मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा? शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग भगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है। अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है। कनीज़ बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो सो बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स, आप देखेंगे नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं? अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा? शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग भगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है। अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है
कनीज़ बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सौ सौ बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया, मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना, तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे, नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा? शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे, नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है। अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है। कनीज़ बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सौ सौ बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया, मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना, तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे, नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा? शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे, नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई तो वो मेहरू के
पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी, ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है, अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है। कनीज बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो सो बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे, नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा, शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई, तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी, ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह चाहता है, अब वो खूब दिल लगाकर उनकी खिदमत करती है। कनीज बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो सो बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा, शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ
और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम नेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसके बहनों की तरह जाता है, अब वो खूब दिल लगा कर उनकी खिदमत करती है। कनीज बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो बातें सुनाती हैं। मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स, आप देखेंगे नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं? अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा? शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहर पोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देखेंगे नईम के सामने शकीला बेगम की सारी हकीकत सामने आ गई तो वो मेहरू के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने, मगर मेहरू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो नईम की वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठकर तुम्हारी बात सुने। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, गलती करना हमारे हाथ में है मगर माफ़ी मिलना नहीं। तो दूसरी जानी बायत को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ की वालदा सीढ़ियों से गिरी हैं और उनकी हालत दुरुस्त नहीं, तो वो दिल ही दिल में ख्याल करती है, शाहजहाँ का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगा कर कनीज खाला का दिल जीतूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से शाहजहाँ की बीवी बनाकर अपने घर में ले आए। आया जो कि शाहजहाँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है मगर कभी इजहार नहीं किया। पर आयत को क्या मालूम कि शाहजहाँ तो उसकी बहनों की तरह जाता है, अब वो खूब दिल लगा कर उनकी खिदमत करती है। कनीज बेगम भी उससे बहुत ही खुश हैं और इसी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं, मगर मेहरू को वो हर वक्त धुतकारती हैं, सो बातें सुनाती हैं।
मेहरू का शाहजहाँ से रवैया तो दुरुस्त हो गया, मगर उसकी वालदा के दिए हुए तानों से वो बहुत दुखी हुई है। मेहरू को इस तरह खामोश देखकर शाहजहाँ उसके पास आकर कहता है, जब अंदर शोर बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करें ना, तो आप मुझे सुना दिया करें, मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूँगा। मगर मेहरू फिर भी खामोश रही। इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे, नईम की वालदा आखिरकार मेहरू से मुलाकात करके उससे कहती हैं, तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। मेहरू नईम की वालदा की कही हुई बातों पर हैरत ज़दा है, आखिर ये सब ऐसा क्यों चाह रहे हैं। अब वो उसे मजीद कहती हैं, अपना तुम घर बसा लो, सारा बोझ नईम उठाएगा। मगर मेहरू को तो किसी का एहसान लेने का कोई शौक नहीं, ना वो किसी का एहसान मंद होना चाहती है और ना ही किसी की हमदर्दी समेटना चाहती है। अब ये सब नईम भला क्यों करेगा? शायद इसीलिए कि मेहरू अपना घर बसाए किसी और के साथ और फिर वापस लौट कर आए मेरे पास। इस सब के बाद फिर नईम मेहरू से मिलने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ जब इल्म होगा शाहजहाँ को, तो वह गुस्से से आग बगोला होकर नईम के पास आता है तो मेहरू उसे रोकती है। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी का ट्विस्ट तब आएगा जब मेहरू शाहजहाँ को अपने लिए बहुत ही अच्छा मानने लगेगी और तभी उसके सामने सारी हकीकत आएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नईम चाहता है कि मेहरू किसी और से शादी करके दोबारा उसके पास लौट आए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।